Aldridge. So we are doing this chapter number 9, and I will try my best to manage it. हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि ये हमारे पास एक टाइम की क्लास है, और इस क्लास के अंदर हमने ये जो लाइन नंबर 6 और 7 लिखी थी, किसे लिखी थी? जब आप इंक्लूड करें और मल्टीपल जगह इंक्लूड करें तो ये लिंकर इसको दोबारा कॉपी ना करेंगे, ओके? उसके बाद ऑफ कोर्स ये हमारी क्लास है। इस क्लास में क्या क्या चेंजेस नजर आ रही हैं आपको? एक तो आपको यहाँ पे चेंज नजर आ रही होगी, ये क्या चेंज है बेटा? हाँ, अनसाइंड क्या हुआ, ठीक है? अच्छा, अगर आप गौर से देखें ना तो इसने क्लास के अंदर बड़ा, यानी ये आपके आपकी जो हेडर फाइल है अगर आप देखें इसमें ना, इसने बड़ा अच्छा, यानी मैंने आपको कहा ना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की फॉर्म में अगर आप देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया हुआ कि ये क्लास क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, यहाँ पर इसने बताया कमिट में लिखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 24 होगी, जो मिनट की वैल्यू है वो बिटवीन 0 to 59 होगी, और ये भी 0 to 59 होगी। इवन अगर यहाँ पर भी देखें तो ये सेटर के साथ भी इसने एक लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये सेटर क्या करता है। इसी तरह ये जो प्रिंट यूनिवर्सल है ये क्या करता है, और प्रिंट स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, ठीक है? अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, एक चीज़ आपको और नोटिस करनी चाहिए, वो आपने नोटिस की है, ये क्या, कौन सा लाइन होता है? लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16 के ऊपर देयर इज दिस कॉन्स्ट जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है ना? इस कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? इस कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि आपको मैंने क्या कहा था कि जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट यूनिवर्सल फंक्शन है, तो इस फंक्शन की अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटोटाइप बैकएंड पे जो होती है वो क्या होती है कि ये बेसिकली क्लास का के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है void, और ये होगा प्रिंट यूनिवर्सल, ठीक है? और इसके अंदर इस क्लास टाइप का एक पॉइंटर पास हो रहा है, ओके? इसका नाम क्या था? दिस। अच्छा, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो पॉइंटर होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है? मतलब ये कि अगर आप दिस प्लस प्लस लिखेंगे ना तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, यानी कि जो दिस में जो एड्रेस आया है वो एड्रेस उसके अंदर रहेगा और कोई और एड्रेस नहीं होल्ड कर सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये जब आप कॉन्स्ट लगा देते हैं ना ये, तो इसका मतलब होता है कि एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट बाहर से आप भेज रहे हैं वो रीड ओनली पर्पस के लिए आपने भेजा है। ये बात समझ? जिसका मतलब क्या है कि कॉन्स्ट किन किन फंक्शन के साथ आपको लगाना चाहिए? जो प्रिंटिंग फंक्शन या वो फंक्शन है जो कि दिस के साथ एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट को तब्दील नहीं कर रहे। मतलब ये कि क्या सेटर के साथ आ सकता है? नहीं आ सकता, ओके? ये बात समझ आई। और एक और जरूरी बात, अगर आप इस प्रिंट फंक्शन में जाकर जो कि कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट फंक्शन, अगर इसके अंदर किसी एट्रीब्यूट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेगा नहीं पुत्र, ऐ नहीं हो सकता। यू आर ट्राइंग टू चेंज एन ऑब्जेक्ट विच इज ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, सो दैट इज नॉट अलाउड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं। जी, अनसाइंड क्या होता है? अनसाइंड का मतलब ये जो आपके इंट होता है ना 32 बिट का होता है, उसकी जो आखिरी बिट होती है ना वो जो 0 होती है 1 होती है। अगर वो 0 तो उसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, 1 का मतलब है वो नेगेटिव नंबर। अगर आप अनसाइंड कहते हैं ना तो वो जो आखिरी बिट है ना वो भी पॉजिटिव की तरह, वो नंबर की तरह ट्रीट होती है, यानी कि आपके जो रेंज है ना वो डबल हो जाती है, ठीक है? आपकी जो एक बिट है ना वो बिट भी एज ए इंटीजर के तौर पे यूज होगी, यानी वो साइन बिट के तौर पे यूज नहीं होगी। तो उससे होता है कि आपकी जो रेंज है ना वो डबल हो जाती है। सॉरी, ये प्रोटोटाइप होती है ना, प्रोटोटाइप के साथ वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है? ये प्रोटोटाइप, तो जितने भी आपने पैरामीटर्स डाल लें उसकी जो प्रोटोटाइप लिखनी है उसमें आपका वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है? तो ये जस्ट एक प्रोटोटाइप, ठीक है?
इनसाइड वाला नेगेटिव नहीं हो सकता, चैलेंज। अच्छा हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, ये पुरानी जो हमने इंप्लीमेंटेशन देखी थी उसमें कहीं हमने इस तरह की चीज़ें नहीं की हुई थी, और अब जो नई जो सी जो इसकी बुक है डिटेल की उसमें उसने काफ़ी कुछ और इंट्रोड्यूस भी किया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये काइंडली आप लोग सारे के सारे इसकी जो डिटेल है वो पढ़ते खुद पढ़िएगा और टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, ये आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपको मैं बता रहा हूँ आपके मिड टर्म में जो 25% है वो सिर्फ बुक रीडिंग के ऊपर है, ठीक है, जिसमें से सवाल आप जो है मैंने यहीं से निकाल लें, ठीक है जी। अच्छा एक आप देखें इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, वो देखिए ये आपका टाइम का कंस्ट्रक्टर है, इसमें अगर तुम आप देखें तो ये यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या किया टाइम कंस्ट्रक्टर के फौरन बाद एक कॉलम लिखा और कॉलम के बाद इसने अपने पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखा जिसका नाम ओवर और उसको उसने जीरो दे दिया, ओके, फिर दूसरे कॉमा लगा के दूसरे एट्रीब्यूट का नाम लिखा और साथ उसको जीरो दे दिया और फिर तीसरे एट्रीब्यूट का नाम लिखा और फिर जीरो दे दिया, इसका ऑर्डर आप बदल नहीं सकते। एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर में आने से पहले एक काम करो, इन एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करो, ये बात समझ में, इसका फायदा क्या होगा, कैन एनीबॉडी गेस, सॉरी सॉरी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, है ना, जैसे ही वो क्रिएट होगा क्रिएशन के होने से पहले ही उसके एट्रीब्यूट की असाइनमेंट हो चुकी होगी, ये बात समझ में, ठीक है। और एक और जरूरी बात, अगर आपकी क्लास में कोई एट्रीब्यूट है जो कि कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एक वेरिएबल रखा हुआ है कॉन्स्ट फ्लोट पाई, और मैं जब ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसमें उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को जाकर 3.14 असाइन करना चाहता हूं और वो फिर कभी भी चेंज ना हो, ठीक है, वो सिर्फ एक ही सूरत में निकला जा सकती है, इस सूरत में इस तरह मेंबर इंस्टॉलेशन के थ्रू, ये बात समझ में, अगर आप इसके अंदर आके इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करेंगे गार्बेज वैल्यू नहीं आती, इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको पता लगेगा, ये यहां तक तो हमने किया था, है ना, सेट टाइम में हम क्या करते हैं बेटा, सेट टाइम में हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है और हमने कहा अगर ऑफ कोर्स मेरे आवर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है एंड लेस देन 24 है, इस तरह मंथ की वैल्यू जो है वो इसके ऊपर कंडीशन लगाई हुई है, सेकेंड के ऊपर कंडीशन लगाई, अगर ऐसा है तो इसको जाके इनिशियलाइज कर दो, है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब चलते हैं हम आगे, ये इसने एक लाइन लिखी हुई है, अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में क्या होना चाहिए, ओके, एक्चुअली हुआ ये है कि आपके कोड में आपने कोई ऐसी इनिशियलाइजेशन कर दी है जो कि बड़ी खतरनाक इनिशियलाइजेशन जो कि पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने कितने लोगों ने फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी अभी, उसमें आपने आपने देखा था जीरो, अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो कर दें ये तो बड़ा मसला होता है, तो दिस इज समथिंग, अगर आप वैसे भी अगर आप दो नंबर की डिवीजन करें उसमें जस्ट डिनोमिनेटर को जीरो से इनिशियलाइज कर दें तो वो कहता है वो आपका प्रोग्राम है तो टर्मिनेट कर, टर्मिनेट होने का मतलब बेसिकली ये है, बेसिकली होता यह है कि उस लाइन के ऊपर एक्सेप्शन आती है, और एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि नॉर्मल नहीं है वो एक्सेप्शन है, ये बात समझ, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकती हैं और बड़ी नेचुरल एक्सेप्शन से, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी चीज एक्सेस की जो कि मेमोरी इलीगल मेमोरी थी, दैट्स एन इलीगल मेमोरी एक्सेप्शन, ओके, अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हो सकता है वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे, ठीक है, नल पॉइंटर के थ्रू आप कुछ डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे वो कह रहे भाई क्या, वो कह सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये बात समझ, इस तरह बहुत सारी एक्सेप्शन होती है, ठीक है। अच्छा ये आप अगर आप देखें तो इसने ना सीपीपी फाइल में यहां पर एक लाइन ये इंक्लूड की है, लाइन नंबर 3, ये देख रहे हैं आप, ये लाइन नंबर क्या लिखा हुआ है इसने, एसटीडी एक्सेप्ट, ये बेसिकली जिस तरह से आईओस्ट्रीम में क्लास है इसी तरह से एसटीडी एक्सेप्ट एक क्लास है, इसके अंदर स्टैंडर्ड एक्सेप्शन बनी बनाई क्लास में आपको दे दी है, ठीक है, आप एक्सेप्शंस की क्लास को आप हेडर फाइल इंक्लूड करें और उन एक्सेप्शंस को यूज करें, एक्सप्लोर एट किस तरह का सिचुएशन है, मैं अभी आपको एक क्लास की दिखाता हूं और वो है ये,
ये आपको नजर आ रहा है इनवैलिड आर्गुमेंट। इनवैलिड आर्गुमेंट बेसिकली एक क्लास का नाम है वहां पे, और वो कहां पर डिफाइन नहीं होगी, वी एस एस टी डी एक्सेप्शन, और ये एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या भेजा, एक स्ट्रिंग भेजी, और स्ट्रिंग क्या भेजी हमें, आवर मिनट एंड और सेकंड वाज आउट ऑफ रेंज, ये बात समझ आई, और ये वो थ्रो करता है। थ्रो करने से क्या होता है, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, ओके। यहां पर आपके सामने मैं एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं आपको। इमेजिन द फॉलोइंग, कि ये आपका कोई इंट मेन था, ठीक है, यहां पे आपने कुछ लाइनें लिखी हुई थी, लेट से कोई मेमोरी वगैरह एलोकेट की हुई थी, ठीक है, और यहां पे आपने कोई F1 फंक्शन कॉल किया, ठीक है, यहां पर आप आए, लेट से ये एक void F1 फंक्शन है, इसने भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, और यहां पे एक F2 फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, और इसके बाद भी कोई लाइन है, लेट से मैं कोई भी एक कह देता हूं, लेट से T1 कोई फंक्शन है कॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसने एक F2 फंक्शन कॉल कर दिया, मैं लेट से F2 में आ जाता हूं, F2 में आ गए, F2 में भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, और यहां पर वो F3 कॉल कर देता है, ठीक है, और उसके बाद लेट से यहां पे T2 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी तक इसने जो कॉल किया वो F3 है, ठीक है। अब हम आए यहां पे F3 के अंदर, F3 में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, और यहां पे आके आपने लिख दिया थ्रो इंस्ट्रक्शन, कौन सी इंस्ट्रक्शन, थ्रो इंस्ट्रक्शन, और थ्रो में लेट से कोई स्ट्रिंग भेज दी, बाय द वे आप लाजमी नहीं कि स्ट्रिंग वो जो इनवैलिड आर्गुमेंट है वो भेजे, आप कुछ भी थ्रो, आप एक इंटीजर भी थ्रो कर सकते हैं, ठीक है, आप एक स्ट्रिंग चाहें तो वो भी थ्रो कर सकते हैं। उसने जो थ्रो किया वो कहां पर क्या किया, वो एस वो इनवैलिड आर्गुमेंट वाली जो एक्सेप्शन है वो थ्रो किया। मैं यहां पे लेट से एक एम ई एक स्ट्रिंग भेज देता हूं, गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग भेज दिया, क्या भेज दिया, स्ट्रिंग भेज दिया, ठीक। अब सुने मेरी बात गौर से, थ्रो के साथ एक और इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड होती है, कहते हैं ट्राई कैच, क्या ट्राई कैच, अब इमेजिन करें द फॉलोइंग, कि मैंने क्या किया, मैंने ना ये जो F1 फंक्शन यहां पे कॉल हुआ था ना, इससे ऊपर लिखा यहां पे ट्राई, ट्राई का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, लेट्स से F1 के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से मैंने यहां पे मैंने लेट्स से T3 कॉल किया हुआ, ठीक है, और यहां पे लिखा है मैंने कैच, और कैच में लिखा है यहां पर क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या, लेट्स से MSG का मतलब मैसेज, ठीक है, और मैंने यहां पे सी आउट करवा दिया क्या, ये मैसेज, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके। अब क्या होता है, लेट्स से एफ थ्री एग्जीक्यूट हो रहा था और यहां पे एक्सेप्शन आ रहा था, आपने थ्रो कर, और थ्रो क्या किया, मैंने कोई भी कार्ड जो भी मैसेज था मैंने थ्रो कर, अब होगा क्या, रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करती है, याद आपको जी बताएं बेटा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करती है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन ये करती है कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, ठीक है, अगर लेट से ये एक फंक्शन था, ये जो फंक्शन F3 कॉल हुआ था वो वहीं पर रिटर्न कर करती है ना, बिल्कुल इसी तरह थ्रो इंस्ट्रक्शन भी यही करती है, थ्रो इंस्ट्रक्शन में F3 कॉल हुआ था, F2 से कॉल हुआ था, F2 से चेक करेगी क्या यहां पर कैच लिखा हुआ है, क्या कोई यहां पे ये जो फंक्शन कॉल हुआ ये किसी ट्राई ब्लॉक में तो नहीं कॉल हुआ था, ठीक है, अगर ये कॉल नहीं हुआ था तो ये इसके तो ये लाइन नहीं चलेगी, वो यहां से भी फौरन बाहर निकल जाएगा, ओके, और अब वो वापस किधर आएगा, जी बताएं, F1 में आएगा, वो देखा हाँ भाई यहां पे कोई ट्राई ब्लॉक लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, वो यहां से भी वापस आ जाएगा, कहां वापस आएगा, यहां वापस, हाँ भाई यहां पर ट्राई ब्लॉक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ओके, तो अब वो इसके नीचे वाले जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं चलाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट जाएगा कैच में, ओके। अब मैंने थ्रो क्या किया, एक स्ट्रिंग की है, लेट्स से यहां मैंने कैच स्ट्रिंग ना लिखा होता, लेट्स से इंट एफएसजी लिखा होता, यहां पर कैच ना हो पाता, ये बात समझ, क्या बोला, यहां पे वो कैच ना हो, क्यों, उसने जो भेजी है थ्रो, थ्रो किया वो क्या किया, और यहां पर सीरियल नंबर क्या होगा, पड़ा होगा,
अगर यहाँ पे मैं इंटीजर कर दूँ तो यहाँ पे कैच नहीं होगा, ठीक है? ये सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? ऑल राइट जी, मैं दोबारा ब्लैक पे जा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, या रेड देखते हैं, ठीक है जी? यहाँ आएगा, यहाँ पर आके ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है? अब सवाल आपको करना चाहिए कि भाई इसका फायदा क्या है? और बाद में अगर मैंने यहाँ पर भी ट्राई कैच ना लगाया तो वो मेन से भी बाहर आता, अब मेन से बाहर तो प्रोग्राम आपका क्रैश है, ओके? ये बात समझ कि एक्सेप्शन आई है और अब आपने प्रोग्राम को क्रैश कर दिया, और क्योंकि आप और उसने तो अपनी तरफ से मैसेज भेजा था कि कैच कर लो, ठीक है? लेकिन अगर आप कैच नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आई है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन मतलब क्या कि उसने एक्सेप्शन थ्रो की और वो कहीं पर भी हैंडल नहीं हुई, यानी कहीं पर भी कैच नहीं हुई, ओके? ये बात समझ आई, ठीक है? अच्छा, अब सवाल आपका होना चाहिए, फायदा क्या है? क्या फायदा जी, क्या फायदा? जब मैं आपको ना एक बड़ी, असल में होता ये है कि ना जब आपके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि फेसबुक चल रहा था वो कोई एक्सेप्शन आई और वो एक्सेप्शन पकड़ी नहीं गई और फेसबुक डाउन, ये तो मर बन जाएंगे। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ये नहीं कि एक यूजर कुछ कर रहा था जो जनाब चलो जिसने कोई भी इमेज वगैरह अपलोड किया जो भी किया हो गया वो सर वो उसके उसकी अभी पूरी पूरी फेसबुक डाउन हो, ऐसा नहीं होता। ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है कि आप एक सर्वर रखते हैं कोई चीज चल रही थी और आपकी एक फाइल में कोई मसला है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर दम से गिर गया, ये तो अलाउड नहीं। ये आपको समझ नहीं आ रही बात, ठीक है? ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है इट्स अ वेरी कोर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि अगर यहां पे कहीं मसला हुआ है कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई उसने इंटरनेट एक्सपर्ट वो एक वेब सर्विस को उसने कॉल की और वेब सर्विस का वो वेट कर रहा है, ठीक है? और वो उसने कहा वेब सर्विस का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है? तो एक्चुअली वो एक इस पार्ट की एक्सेप्शन है, बाकी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? तो एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कैसे इसको हैंडल कर ले, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आईलेट से आप एक बड़ा सारा सॉफ्टवेयर था, आपको नहीं पता लग रहा कि मैंने आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई और आपको पता नहीं लग रहा मैंने डीबग करके कहां पर हो, ठीक है? इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है पता नहीं कहां पर जाके वो एक्सेप्शन आई, तो मैं तो F10 F10 प्रेस करता हुआ F11 में तो गया, मैं तो मार जाऊंगा, ठीक है? वो तो हजारों लाइनों का कोड है, कहां पर आई है मुझे नहीं पता, ठीक है? अच्छा आप मेरी बात सुने बात, जी जी पूछ लो। और अगर कोई कैच ना हो तो फिर क्या होगा? कैच नहीं लगा हुआ तो मेन से भी बाहर आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो सबसे पहले कैच में आ जाएगा जो भी लास्ट कॉल स्टैक में, जी जो भी पहला कैच उसको मिलेगा वहां पे रुक जाएगा, ठीक है? और कैच भी वही होना चाहिए जो उसने भेजा था, ठीक है? जिस टाइप का उसने भेजा था, ठीक है? अब सुने मेरी बात, और मैं आपका एक सिनेरियो बता। अच्छा बेसिकली कई दफा होता ही है कि आप चाहते हैं कि भाई एक्सेप्शन अगर ऐसी आ गई मुझे पता भी नहीं लग रहा मैं डिबग भी नहीं कर पा रहा, तो देर आर वेज टू हैंडल इट। एक तरीका का ये होता है कि वो क्या करते हैं कैश में आके कैश कर लेते हैं, और ये जो आपके प्रोग्राम की स्टेट होती है, ये यहाँ पे आपने स्टेट बनाई थी, स्टेट का मतलब क्या है जितने भी वेरिएबल बनाए थे ऑब्जेक्ट बनाए थे वगैरह वगैरह, तो आप बेसिकली क्या करते हैं ये वाला जो आपने पार्ट मेमोरी का बनाया था ना वो जाके आप क्या करते हैं यहाँ पे डंप कर देते हैं। डंप का मतलब क्या है? फाइल में जाके लिख देते हैं, तो आपकी लॉग फाइल होती है वो मेंटेन रहती है। उससे होता है आपका प्रोग्राम क्रैश हुआ, ठीक है? आज सुबह आया आपने देखा वो प्रोग्राम मेरा क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ था? मैं अपनी लॉग की स्टेट देखता हूँ, ओ इसमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मसला होता, ये बात सुन रहे, ठीक है? तो आप उसे स्टेट देख के फिगर आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने अपने लिखे होते हैं फाइल राइटर कि इस ऑब्जेक्ट को इस तरह राइट करो, इसको इस तरह राइट करो, अच्छा इसमें मसला है मैं देख के बता देता हूँ, ये बात सुन रहे, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके? अगर आपने देखा हो कभी आपने विंडोज आप यूज कर रहे हो तो अचानक ही आप वो विंडोज बैठ जाती है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है आई है तो आपके वो लिखा हुआ है सेंड डोंट सेंड, है ना? एरर रिपोर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट को। वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली उस वक्त की जो स्टेट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट को भेजी जाती है,
ठीक है, तो उनको बहुत सारे रिपोर्ट होते रहते हैं कैसे इस तरह की अनहैंडल्ड एक्सेप्शन से, ये बात सुने? तो अगर आपका इंटरनेट चल रहा हो तो वो जनाब सेंड कर देगा, ठीक है, ताकि वो उसको फ्यूचर में देख लें, अच्छा ये मसला था। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त कहानी सुनाऊँ, और कहानी है हम अपने थर्ड सेमेस्टर में थे पास में, और हमारा ना डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स था, और हमने ना बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कुछ इम्प्लीमेंट करने थे, एक 2-3 ट्री इम्प्लीमेंट करना था और एक 2-3-4 ट्री इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और उसके थ्रू बेस करके हमने बेसिकली रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। तो वो ना मैंने बड़े जिद करके ना सारे मैं हम दोनों का ग्रुप था, सारे मेरा दोस्त है अभी वो इम्पीरियल कॉलेज लंदन में होता है वहाँ पढ़ा रहा है, पहले फास्ट पढ़ा था। अच्छा, तो ना हमने ग्रुप बनाया और हम काम कर रहे थे, उसने 2-3 ट्री बनाया, वो आसान था, मेरे पास 2-3-4 ट्री था जो कि उसके काफ़ी सारे केसेस थे, तो मेरा दिमाग बर्न आउट हो गया, 5 दिन मैं लगा रहा कंप्लीट नहीं हो, कंप्लीट हो गया लेकिन कोई एक्सेप्शन आती है और मैं समझ में नहीं आती काम, ठीक है। अच्छा, बड़े आखिरी 2 दिन सिर्फ उस एरर को निकालने में लगने की कोशिश की कि भाई किसी तरह से वो एरर निकल जाए, ठीक है। होता यह था कि बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाती थी, प्रोग्राम जब बंद होने लगता था तो आता था भाई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, ठीक। अब हम मजाब में फंसे हुए यार, किधर आ रही एक्सेप्शन पता नहीं लग रहा, ठीक है, अपेरेंटली कोई मेमोरी वगैरह एक्सेस हुई होगी या कहीं पर हमने कुछ किया होगा जो कि मसला बना। अब सारे को मेरे पर चढ़ा हुआ गुस्सा बॉडी तरफ से, ये हमारे वहाँ पर ना बेसिकली डेटा सिस्टम का एक रूल था कि अगर आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया ना तो आपके आधे नंबर तो वैसे ही गए, चाहे आप जो मर्जी करते रहे, ठीक है। तो ये रूल था वहाँ पे कि भैया आपके अगर सिंटैक्स एरर है तो आपका एग्जाम चेक ही नहीं हुआ, लेकिन अगर और यानी कंपाइल तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए, लेकिन अगर एक्सेप्शन आ गई है तो आपके आधे नंबर तो गए ना, आप जो मर्जी कर। अब हम उसको तो तब चढ़ी हुई थी कि प्रोजेक्ट है, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है और तू मेरा ग्रेड वो जा देगा, ये वगैरह वगैरह, इसकी वजह से मैं तेरे साथ आने तक कभी ग्रुप नहीं बना। अब ना अचानक ही ना मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने कहा मैं कुछ करने लगा हूँ, तूने ना बस बोलना नहीं है, ठीक है। कहता है चल हाँ क्या कर रहा है। अच्छा, मैंने ना एक काम किया, अभी हमारे टीचर को ना बताना जाके आप, ठीक है। ये जो हमारा इंट मेन था ना, ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। सही है, ये जो भी हमने काम करना था इसके अंदर किया, ठीक है। अब इसके एंड पे एक्सेप्शन आ रही थी जो कि हम पकड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है। हमने एक फाइल बनाई जो कि हिडन सी तकरीबन फाइल थी, इतनी सारे वो इतने सारे प्रोडक्ट के अंदर हेडर फाइल्स भरे पड़े थे, उसमें हमने आई एक वो टेम्प .cpp की फाइल बनाई, उसके अंदर हमारा असल में मेन था, ठीक है, जो चल रहा था, ठीक है। और हमने पता है किया, मैंने वहाँ पे जाके लिखा ट्राई, यहाँ पे जाके कॉल किया मियाँ, ठीक है, यहाँ पे जाके लिखा कैच, अब मुझे नहीं पता कौन सी एक्सेप्शन आ रही, तो देर इज़ अ वेरी नाइस सिंटेक्स कॉल्ड .. का मतलब है मुझे नहीं पता कौन सी एक्सेप्शन आएगी, अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगी पकड़ लो उसके पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने कैच, और यहाँ लिखा सी आउट, और यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन सिस्टम वर्क्ड परफेक्टली, ठीक है। और हमारी एवेल्यूएशन हुई, एवेल्यूएशन में सारे खामोश बैठा हुआ है, क्या कर पकड़ गए तो मर गए। और जो है ना हमारी एवेल्यूएशन होगी, हमें पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। This is called smart cheating, you know? That is allowed. चले जी, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि there are things, sometimes it happens कि आपकी कोई build है, जो कि due है, और आपको error ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा, और अभी आपने वो जमा करवाने के बाद, ठीक है, कोई presentation आपकी आ रही है और आपको उसका demo दिखाना है और कोई मसला आ रहा है और वो आप अभी दिखाने के लिए जा रहे हैं, आप एक्सेप्शन नहीं दिखा सकते, ये बात सुने, तो वो फिर आप आई मीन उस वक्त मेक श्योर के इस तरह की चीज़ करके आप ऐसी चीज़ ना हो कि वो अब नॉर्मल हो जाए, ठीक है। जैसे बड़ी वो आई डोंट नो कौन सा आईफोन की प्रेजेंटेशन हो रही थी जिसमें उनका प्रोग्राम क्रैश कर गया था, आई डोंट नो, उसने फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाया था,
समथिंग लाइक दैट, तो वो क्रैश कर गया था. बट खैर इस तरह से चीजें हैं, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक चले जी, बाकी आई थिंक ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हैं. ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड. प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. अच्छा एंट मेन मैं आपको दिखाता हूं, अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए. टी बना, आप बता सकते हैं टाइम टी में क्या लिखा होगा? ऐसा 0 0 0 क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू 0 0 0 इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, फिर टी डॉट प्रिंट यूनिवर्सल क्या प्रिंट होगा? 0:00 और 0 सेकंड. टी डॉट प्रिंट स्टैंडर्ड है वो क्या प्रिंट करेगा? 12:00 और 0 सेकंड. ठीक है, और टी डॉट सेट टाइम मैंने पास कर दिया 13:37:06. ओके, और अब अगर हम प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो ये प्रिंट करेगा 13:27:06 और ये करेगा 1:27:06 और पीएम लिखा. आई होप ये सबको समझ में आ गई बात. अब हम आगे जाते हैं. लेट मी डू दिस. ओके, टी डॉट सेट टाइम और सर मैं 99 99 99. ठीक है, अब ये टी डॉट सेट टाइम हम कॉल करेंगे तो असेंशियली होगा ये कि ये सेट टाइम कॉल होगा. मैं इधर आया था सेट टाइम में, ये सेट टाइम में आ गया, लाइन नंबर 17 पे वो आ गया. ऐसे ही है. अब बेटा आवर में क्या वैल्यू आई है? 99 99 और 99. ठीक है जी, वो इफ में जाएगा या एल्स में जाएगा? एल्स में जाएगा. वो यहां आएगा, यहां पे आएगा जी आवर. ये वाला जो मैसेज है, ये वाली वो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के उसको भेज देगा. ठीक है, थ्रो करेगा. और अगर आप मेन में दोबारा वापस जाएं तो यहां पे कैश है. कैश में उसने इनवैलिड आर्गुमेंट का जो आपने वहां पे थ्रो किया है इसका रिसीवर लिखा हुआ है. और ई डॉट वर्ट, तकरीबन जितनी भी एक्सेप्शन की क्लासे है ना उनके अंदर डॉट वर्ट का फंक्शन होता है जो ये बता रहा होता है. क्या बता रहा हूं? कि कौन सी एक्सेप्शन आई. ठीक है, जो भी आपने मैसेज में लिखी होगी वो उसको वो साइन कर देगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमने एक्सेप्शन आउटपुट कर दी और हमारी आउटपुट होगा. ठीक है, हाँ ट्राई एंड कैश मेन में लगाया, जहां मर्जी लगाया. ठीक है, ट्राई एंड कैश कहीं भी. ठीक है, सही है. तो अगर आप देखेंगे तो ये लाइन नंबर 30 वाली जब लाइन चलेगी तो आएगा लिखा हुआ. ये देख रहे हैं आप, जब आपने अटेम्प्ट की ये वाली करने की तो क्या एक्सेप्शन आई? कि भाई एक्सेप्शन आई है इस चीज को इनिशियलाइज करने में. ठीक है, और बाय द वे जो मजे की बात हुई है वो ये हुई है कि अब अगर मैं टी डॉट प्रिंट को प्रिंट करूंगा तो ये कैश होने के बाद अब ये दोबारा अगली लाइन चलना शुरू हो जाएगी. ठीक है, कैच का ब्लॉक चलने के बाद उसकी जो नीचे वाली चीजें हैं वो चलना शुरू होती है नॉर्मली. ठीक है, लेकिन एक बात सुन लें कि अगर मैंने इस जगह कोई इंस्ट्रक्शन लिखी होती टी डॉट सेट के बाद वो ना चलती. ओके, क्योंकि अगर जहां पे एक्सेप्शन आई है उसके बाद वो जाके जब तक कैच में नहीं आता तब तक वो बाहर निकलता आता, बाहर निकलता आता, बाहर निकलता उसको उससे बाहर निकलता. ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली आउटपुट होगी. ठीक है, यानी आफ्टर अटेम्प्टिंग इनवैलिड वो जो प्रिंट करेगा वो पुरानी वाली वैल्यू करेगा क्योंकि उसने सेट कुछ भी नहीं किया. तो पुरानी वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो थी 13:27:06. तो ये आउटपुट देगी. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई बात. और सबको ये भी समझ में आ गई बात कि जो मेमोरी आपने बनाई हुई थी कैच में आने के बाद वो मेमोरी आपके पास रहेगी. आप चाहें तो उसको लॉग फाइल में या कहीं पर भी प्रिंट करवाने के लिए यूज कर सकते हैं. ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलते हैं जी आगे. ये वही बातें हैं जो कि हमने क्लास में की थी लास्ट क्लास में. ये आप ये नहीं, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, रेफरेंस ऐसे बनाते हैं, पॉइंटर ऐसे बनाते हैं. ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना हो तो डॉट, रेफरेंस के थ्रू एक्सेस करना हो तो भी डॉट, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना हो तो एरर. ठीक है, अच्छा अभी दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक होते हैं एक्सेस फंक्शन जिनको हम गेटर फंक्शन भी कहते हैं, सेटर फंक्शन भी कहते हैं, और कोई और फंक्शन भी. यूटिलिटी फंक्शन. यूटिलिटी फंक्शन क्या होते हैं? यूटिलिटी फंक्शन होते हैं अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा काम है जो आप करना चाह रहे हैं जो कि सिर्फ उसी क्लास में हेल्प के लिए आपने बनाया है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को वो नहीं दिखाना. तो जिस तरह प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उनको एज ए प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने भी फ्रैक्शन की क्लास बनाई है ना, फ्रैक्शन की क्लास में जो GCD और LCM है जो आपने निकालना होता है ऐड करने के लिए, आपको वो आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाने की जरूरत नहीं. सो मेक देम एज प्राइवेट फंक्शंस. तो उन फंक्शंस को हम किस रीजन में बनाएंगे? प्राइवेट में डिक्लेयर कर देंगे और बाहर CPP में जाके इनको बना देंगे और आप वो बाहर की दुनिया को नजर नहीं आएंगे. ये बात समझ आ गई? ठीक है, इन्हें कहते हैं कौन से फंक्शंस? यूटिलिटी फंक्शंस.
जो यूटिलिटी फंक्शंस आर यूजुअली हेल्पिंग फंक्शंस जो कि आपने बनाए होते हैं और वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। आपने प्राइवेट नहीं बनाना, प्राइवेट ना बनाए, ओके, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यूटिलिटी फंक्शंस को आउटसाइड वर्ल्ड पे दिखाएं, ये बात समझे। और हम बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे जिसके अंदर हमारे यूटिलिटी फंक्शंस होंगे जो कि हाइड रहेंगे, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पर फंक्शन, ठीक है। और इनको हम यूजुअली जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स के तौर पर बना देते हैं, ठीक है। काइंडली आप टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। मैंने आपको अभी ये इससे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मैंने अगर आपने क्लास में मैं पढ़ाता तो मैं वो छोड़ देता, ओके। लेकिन ऊप की ये टर्म्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है, और इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा यूटिलिटी फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। आप जब आप कोड करने जाएंगे तो आपका जो जो इंटरव्यूअर होगा वो देख रहा होगा कि ये यूटिलिटी फंक्शन बनना चाहिए था, ये क्यों नहीं बना, ठीक है। तो ये वो चीजें जिसके आपके पॉइंट स्कोर किए जाते हैं और आप इसी तरह से चीजों में रह सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल वो तो मैं उसको हैडर डाल देता हूँ, लेकिन हैडर को देख के उसको अंदाजा होता है यार ये मेरी ओवरऑल ओएसएल डेटा है, ये पार्ट है जो मुझे नजर नहीं आएगा लेकिन अंदर मौजूद है। जैसे कि अभी हम आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, हां उसकी फाइल हम एक्सेस कर सकते हैं, हां हां। तो फिर दोबारा आईओ स्ट्रीम, क्या आईओ स्ट्रीम की जो क्लास है वो मतलब हमें यूज करने के लिए, मैं ऊपर इसको इंक्लूड करता हूं, इंक्लूड करके यूज करना शुरू करता हूं, उसको हम एक्सेस तो कर सकते हैं, मतलब उसकी फाइल को। हाँ खोल के देख सकते हैं, लेकिन वो आपको वो वाली सेंस क्या है, क्या उसके वर्ड को बताएंगे, मतलब ठीक है। मैं जब यूज करता हूँ, यदि मैं आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी का अंजर पंजर सारा कुछ खोल दें, वो आप खोल सकते हैं, लेकिन खोलने की जरूरत नहीं, उसको यूज करने के लिए उसकी जरूरत नहीं, ये बात है। तो मेरी जरूरत है ये पेट्रोल यहाँ डालना है, यहाँ पर मैंने चाबी लगानी है और मैंने ये गाड़ी चला के जाना है, या दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। आप चाहें तो सब कुछ ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने की जरूरत नहीं, ये बात समझे, ठीक है। ये लैपटॉप है मैं यूज कर सकता हूँ, मैं इसका सब कुछ खोल खोल कर रख सकता हूँ, ये मेरी मलकी है, लेकिन जरूरत नहीं है, डज मेक सेंस, बस इसी सेंस में, ठीक है। यानी जिसे यूज करना है वो उसको यूज करेगा, ठीक है। चलें जी अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अच्छा आपको कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है इस क्लास के अंदर? लाइन नंबर 38 पे कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? अच्छा एक तो लाइन नंबर 13 पे आपको एक्सप्लिसिट नजर आ रहा है, कि मुझे छोड़ दे, मैं तो बाद में बात करूंगा इसको, क्या होगा ये टाइम का कंसेप्ट है। इसके अंदर आप देखें int equal to 0, int equal to 0, int equal to 0, इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं पैरामीटर नहीं पास करूंगा तो वो ये वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और एक बात याद रखें, जब भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अगर हमने 6 आर्गुमेंट भेजने जिसमें 3 मैं चाहता हूं कि वो डिफॉल्ट ना हो और 3 हो जिनकी मैं डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमेशा एंड में आते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप कॉल करेंगे तो क्या कॉमा 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 लिखेंगे, तो कॉल यानी आर्गुमेंट, जब आप आर्गुमेंट भेजने के लिए जा रहे होंगे तब आप क्या उनको उनको फ्री कैसे छोड़ेंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है जितने भी आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो आप उनकी आप डिफाइन करते हैं लास्ट में रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ देखें, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है लेकिन ये 3 लाइनें इसने अब मजीद ऐड कर दी हैं। मतलब ये कि सेट आवर का अलग फंक्शन बना दिया, सेट मिनट का अलग फंक्शन बना दिया, और ठीक है उनके तीनों के अलग अलग फंक्शन बना दिए, थोड़ा सा डिफरेंट किया। अब मैं आपसे यहाँ पे एक्सरसाइज पूछूंगा, थोड़ा छोटा सा ओरल क्विज होगा आपसे, मैं किसे ही पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो बी अटेंटिव, यहाँ पे इसने 3 गेटर फंक्शन बना दिए और साथ इनके कॉन्स लिखा है, क्यों कॉन्स लिखा है और इनके साथ कॉन्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने चेंजेस करनी है और इन्होंने चेंजेस नहीं करने। ये हमारे प्रिंट यूनिवर्सल फंक्शन जो बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसी क्लास है। द ओनली डिफरेंस इज द फॉलोइंग, क्या अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, अच्छा बाय द वे देखें क्या करते हैं, यहां पर आपने टाइमर का सेटन बनाया और इसमें आके इसने आते के साथ ही सेट टाइम कॉल कर दिया, ठीक है। इसने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि जब वो 9 नंबर 12 पे आएगा तो आवर और मिनट और सेकंड में क्या पड़ा होगा, गार्बेज है, ठीक। ओके हम अंदर आएंगे, अंदर आके यहां पे सेट टाइम कॉल हुआ है, सेट टाइम अंदर आके क्या करता है, 9 नंबर 18 पे अगर आप आ जाएं तो वो करता है वो सेट आवर भेजता है, वो सेट आवर कॉल करता है, सेट मिनट कॉल करता है और सेट सेकंड कॉल करता है। अब सेट आवर में आ जाते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट आवर भी देखें
और सेट मिनट भी देखें, सेट आवर पे वो दोबारा से कंडीशनिंग करता है कि अगर उसकी वैल्यू आवर की 0 से 24 के दरमियान में है तो ठीक है, मैं उसको साइन कर दूंगा, अदरवाइज क्या करेगा? वो एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसमें लिखता है आवर मसले में था, ठीक है। मिनट में वो क्या करता है? अगेन मिनट ही कंडीशन लगाता है, और यहां पर क्या करता है कि भाई मिनट मसले में था, ये बात समझ। और इसी तरह वो सेकंड का भी बनाएगा और उसमें भी ये थ्रो कर देगा, ठीक है। इस तरह से गेट आवर, गेट मिनट, गेट सेकंड बनाया हुआ है, और प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये हमें पहले ही पता है कैसे बनाया, ठीक है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया क्या हुआ, ठीक है। अब हम मेन को देखते हैं, अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूं और फिर मेरा क्विज भी छोटा सा आएगा दरमियान। पहले आपने मुझे बताना है बेटा कि ये चलेगा कैसे, लाइन नंबर 10 से लेकर 13 तक देखें जी। जब मैं टाइम T1 कहूंगा, आशा जो लाइन क्या वैल्यूज जाएंगे, 0 0 0, ओके। जब मैं टाइम T2 लिखूंगा और फिर 2 पास करूंगा तो क्या होगा जी? आवर में 2 पास होगा, बाकी तीनों के तीनों जाओगे वो 2 2 जाओगे तो 0 0 पास जी। 21 और 34 तीसरा 0 पास होगा, और फिर ये 12 25। अच्छा आप मुझे बता, आप बताएं कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होगा? अगर हम डिफॉल्ट पैरामीटर ना बनाते, वाला कस्टम ना बनाते तो क्या होगा? नहीं ये मसला निकाल तो अभी भी जा रही है, वैल्यू भेज अगर नहीं मैं चाहता हूँ वैल्यू, मैं चारों को चलाना चाहता हूँ, अगर मैं चारों को चलाना चाहूँ तो मुझे क्लास में जाके क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर हमें चार लिखने पड़ते हैं, एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, इसके लिए इसको कोई आर्गुमेंट पास ना हो, एक को एक आर्गुमेंट पास हो, एक को दो आर्गुमेंट पास हो, एक को तीन आर्गुमेंट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है कि बेसिकली डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने कुछ और नहीं भेजना वो डिफॉल्ट भेजेगा, ये बात सुन। तो आपको चार नहीं बनाने पड़ेंगे, एक से काम चलता है, ठीक है। जब आ जाए लाइन नंबर 15 से ऑनवर्ड हम देखते हैं जी, ऑफ कोर्स अब आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा 0 0 0 0 0 0, ये होगा एक 2 बज के सारे 0 0 ले लेगा, तो ये 12 34 0 ले लेगा, और ये 12 25 42 ले लेगा, ये बात समझ। अब हम आ जाते हैं ट्राई कैश के ऊपर। अब आप मुझे इसके बारे में बताएं, ये मैंने कुछ किया हुआ है, उसमें हमने T5 भेजा और उसमें हमने ये ऑर्गमेंट भेज दिया जी। आप बताए नाम क्या? वलीद का बताए, यहां पर आ गया 27 74 और 99 भेज दिया ना। चले जी ऑफकोर्स क्या कॉल कर रहे हैं यहां पे? हाँ रिकॉल बेटा क्या कर रहे हैं, 38 लाइन पे क्या कॉल होगा? 35 का क्या कॉल होगा? कौन सा फंक्शन तो नहीं है T5 कॉन्स्टेंट सर। T5 का क्या यहाँ पे क्या कॉल होता है? यहाँ पे आप T5 बना रहे हैं तो यहाँ पे पास क्या करना है? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर दिया। यहाँ आ गया, ठीक है, हमने यहाँ पे 27 भेजा, 74 भेजा, कुछ और बताया तो यहाँ पर आएगा सेट टाइम में, सेट टाइम यहाँ क्या पास हो जाएगा 27 और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी एच के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 27 74 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 99, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम सेट आवर भेज देंगे, सेट आवर में क्या भेज रहे हैं हम? 27 भेज रहे हैं ना, है ना, और यहाँ पे हम भेज रहे हैं ये, यहाँ पे भेज रहे हैं ये, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहां पर क्या वो इस रेंज में लाई करता है? थ्रो हो जाएगा, और थ्रो में क्या लिखा हुआ है? आवर। ये वापस आएगा यहां पर लाइन नंबर 19 पे, 18 पे वापस आएगा। हाँ जी, यहां पर कहीं ट्राई कैच लगा हुआ नहीं? लगा हुआ, तो इसका मतलब ये कहां जाएगा? ये मेन में जाएगा, और मेन में यहां आएगा, और मेन में यहां पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ई डॉट व्हाट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ये आवर का प्रॉब्लम है, ये ओके। और अमीन जो लैब होगी उसमें ये सवाल आपने डाल दिया, ठीक है जी। अब आप बताएं, मैं चाहता हूं कि बाद में मैंने आर्गुमेंट जो यहां पे दिए हैं तीनों अलग दिए हैं ना, मैं चाहता हूं तीनों के तीनों कैच हो, तीनों के तीनों कैच हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? कैच कहां लगाना चाहिए? ट्राई कैच यहीं रहेगा या कहीं और रहेगा? स्टार्ट में कहां पे?
सेट आवर के बाद मतलब जी बताएं कहां पर एक ट्राई कैश यहां रहेगा यस लाइन नंबर 18 के ऊपर एक ट्राई कैश लाइन नंबर 19 के ऊपर रहेगा एक ट्राई कैच आपका लाइन नंबर 20 के ऊपर मेन में ट्राई कैच होगा नहीं होगा ओके मेन में ट्राई कैच नहीं होगा ये बात समझना चाहिए आप ठीक है सो फार सो गुड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये आपने सवाल डाल देना आई मीन लैब ठीक है आई होप एक्सेप्शनल हैंडलिंग आपको समझ में आ रही है कैसे हो रही है ठीक है चलिए जी ये आउटपुट आप देख लीजिएगा ये मेंबर ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहलाती है लिस्ट इनिशियलाइजर भी होता है उसमें ये जब आप भेज रहे हैं तो आप पहले आर्गुमेंट में 2 भेज रहे हैं बाकी दोनों में क्या 0 होता है इसमें पहले दो में ये जा रहा है आपकी समय इसको मैं ऐसे भी कर सकता है इक्वल टू प्रति भी कर सकता है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ये अपना चेक कीजिएगा कि क्या इस केस में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता ओके मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता इसका मतलब मेरा ख्याल में इसमें ये होता है कि आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि पहले आर्गुमेंट को पहले एट्रीब्यूट को 2 असाइन कर दो बाकी एट्रीब्यूट को 0000 असाइन कर पहले दो एट्रीब्यूट को ये असाइन कर दो बाकी को 0000 इस तरह से वो नहीं होती अरे निशान होती है बिल्कुल वैसे और स्ट्रक्चर में भी हमने किया था इस तरह से इनिशियलाइजेशन होता है जब जगह दिखा कि यहाँ पे आके ना आप इन्हें F11 प्रेस करना है और दिखा क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है मेरे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता ठीक है एंड आई थिंक दिस इज अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ओके ओके जी लेकिन ऑफकोर्स इसके अंदर एक मसला है क्या मसला है कि आपने वो जो सेटर्स के ये वो लिखे थे क्या वो जो हमने चेकिंग की थी वो चेकिंग नहीं हुई अगर सेटर्स कॉल अगर आपका सेटर कॉल नहीं हो रहा तो उस केस में क्या होगा उसके अलावा वो चेकिंग वाला काम नहीं होगा आपने डायरेक्ट असाइन कर लिया ठीक है ओके जी आप चाहें तो डेलीगेट भी कर सकते हैं डेलीगेट का मतलब क्या है कि आपने टाइमर का फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास होते हैं आप ये बनाए और इसके अंदर इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा आप यहां से ये वाला सेटर कॉल कर दें और इसके अंदर इन तीनों आर्गुमेंट में क्या भेज 0000 अब आप बताएं आपने दोबारा से अगर सेकंड वाला बनाना है तो उसमें हमने इसको वाले को कॉल कर देना करेंगे इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है क्या करेंगे लेट्स से आवर आ रहा है तो क्या होगा इस जगह पे क्या पास हो जाएगा एच आ जाएगा और बाकी दोनों जगह पे क्या आ जाएगा 0000 ठीक तो इस तरह से आप डेलीगेट से बना सकते हैं डेलीगेट का मतलब है कि एक सेक्टर ने खुद अपनी जिम्मेदारी क्या कर दी दूसरे को डेलीगेट कर दी तू कर लेगा ठीक है तो आप ये डेलीगेट्स भी बना सकते हैं जैसे इसने यहाँ पे ये किया एक आवर पास हो रहा है इसको ये कर दिया मिनट पास हो रहा है इसको ये कर दिया और जो तीसरा जो आर्गुमेंट है वो तुम्हें पता ही है ठीक है तो आप इस तरह भी कर सकते हो ठीक है आ जाए जी बता अच्छा आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है इंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो इस तरह इंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है इसी तरह डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाते हैं आप बेसिकली उसी जिस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं क्लास का नाम लिखते हैं ना यहां पर भी आप क्लास नेम लिखते हैं इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आर्गुमेंट पास हो सकते हैं इसके अंदर कोई पास नहीं होता लेकिन बस इसके साथ आप टिल्डा लगा देते हैं और इस तरह आपने जो भी लिखना है उसके अंदर लिखे ठीक है ठीक है अच्छा डिस्ट्रक्टर कब हो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डिलीट क्यों इसकी 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 जरूरत क्यों पेश आ सकती है बोथ ऑफ यू आर राइट बट एक चीज आप नहीं बता रहे बताने चाहिए अगर आपकी क्लास के अंदर इसने कहा अगर क्लास के अंदर कोई पॉइंटर है ना जो किसी मेमोरी को पॉइंट करता है
कौन सा वेरिएबल? डीप मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगा। अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगा और उसके अंदर कोई पॉइंटर था वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर वो पॉइंटर किसी हीप की मेमोरी को पॉइंट कर रहा था तो वो डिलीट नहीं होगी मेमोरी, वो तो आपको डिलीट करनी। तो वो डिलीट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। ओके, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें आपने मैट्रिक्स की एक क्लास बनाई। अब मैट्रिक्स ने अपने अंदर डबल पॉइंटर रखा हुआ था जो कि हीप पर मेमोरी एलोकेट करता था। अब अगर मैट्रिक्स आपने डिलीट कर दी, आप मैट्रिक्स स्कोप से बाहर जा रहे, वो 2D पॉइंटर तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो उसके थ्रू आपने पॉइंटर्स का टेबल बनाया और हर टेबल का जो पॉइंटर है वो किसी एक और अरे की तरह पॉइंट करेगा, वो तो डिलीट नहीं होगा। तो वो डिलीट कौन करेगा? वो आपका ये डिस्ट्रक्टर का डिलीट करेगा। उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली ये कोड लिखना होगा। ये बात समझ में आई? आई होप यू अप्रिशिएट कि डिस्ट्रक्टर की हमें जरूरत है। ओके, ये बात समझ में? तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? ओके जी, अब एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल है जो हम करने के लिए जा रहे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स कब कॉल हो। ओके, बिफोर आई मूव देयर मैं आपसे ना एक छोटी सी आपको एक शीट सी मजेदार चीज कराता हूं, और मजेदार चीज ये है यार, ये किधर गया? ओके, इमेजिन द फॉलोइंग प्लीज। अभी तक आपने वो ये तो पता ही होगा कि लेट्स से कि मैं यहां पे एक इंटीजर एफ एक फंक्शन बनाता हूं, और यहां पे मैंने एक इंटीजर ए बनाया, इसकी वैल्यू रखी 10, सी आउट कर दिया ए को, और जाने से पहले मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है? यहां पे मेरा एक इंटीजर मेन था, मैंने यहां पे F1 कॉल किया, यहां पे मैंने F1 कॉल किया, और यहां पे मैंने F1 कॉल किया, ठीक है? ओके जी, मुश्तबा क्या आउटपुट होगी? ठीक है, ठीक है। और अब मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, और वो मेरा काम ये है यार, ये किधर चला जाता है? यार ये माउस ही नजर नहीं आता, ये रहा। इससे पहले ना जाके लिख देता हूं स्टैटिक। ओके, अच्छा आप सुने मेरी बात, वर्ड्स आपको याद है? मैंने आपको कहा था कि हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? 400। एक होता है कोड सेगमेंट, एक होता है ग्लोबल सेगमेंट, और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका नाम ग्लोबल सेगमेंट भी होता है, इसको ग्लोबल डैश स्टैटिक सेगमेंट कहते हैं। क्यों? अच्छा जी, इधर होता है आपका हीप और इधर आपका होता है स्टैक, ठीक है? स्टैक नीचे से ऊपर ग्रो करता है और हीप जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे ग्रो करती है, ठीक है? और ये बेसिकली दरमियान में बाउंड्री नहीं होती। ओके, और इसीलिए मैं इसके दरमियान में इसको इरेज कर देता हूं। ये जो है ये बेसिकली डॉटेड मेमोरी है, के दरमियान में बाउंड्री नहीं होती, ठीक है? तो जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दें, ओके, तो इस तरह ग्लोबल जो होता है वो जब एक दफा बन जाए तो जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह स्टैटिक वेरिएबल भी जब एक दफा बन जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ओके, ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, everybody understand this? Okay, now look at this. मैं यहां पे आया, अब जब मैंने स्टैटिक बना दिया ना तो ये बेसिकली ए बन जाएगा यहां पे। ये निकलने से पहले अब आउटपुट हुआ 10, और निकलने से पहले ए की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। अब जब दूसरी दफा F1 कॉल होगा तो ये लाइन नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक दफा बन चुका है। और अब क्या हुआ?
अब जब हम सी आउट करेंगे तो एक वैल्यू क्या होगी 11 होगी, अगली दफा करेंगे क्या होगी 12। ये बात सुन रहा है? से कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक। स्टैटिक मेंबर फंक्शन मेंबर जो होता है, सारी वेरिएबल जो होता है वो जिसको, अच्छा बस सिर्फ एक फर्क है ग्लोबल में और स्टैटिक में, इस फंक्शन के बाहर कहीं आप इस ए को यूज नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ ये होता तो ये जिंदा तो ये रहता है, लेकिन आपको अवेलेबल सिर्फ इसी स्कोप में होगा आफ्टर कौन सी लाइन के हीरो स्टैटिक वाली लाइन के बाद, इससे पहले भी बदल हो गई। ओके, ये स्टैटिक वेरिएबल का फायदा होता है। ओके, ये बात सुनो, आपको याद है मैंने रैंड फंक्शन बनाया था तो उसमें एक सीड था, है ना, और याद सीड को हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, है ना, वो ग्लोबल नहीं होता, वो असल में ये स्टैटिक वेरिएबल होता है। ओके, आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि हमने सीड बनाया था और सीड में हम पुराना सेव करके चले जाते थे, ठीक है, जो टाइम जीरो से वैल्यू आती थी पहले सीड को साइन करते थे फिर, ठीक है। चलें जी आगे चलते। अब ये एक बड़ी मजेदार किस्म की क्लास है, बड़ी छोटी सी क्लास है, जबरदस्त, ये मैं आपके साथ बना रहा हूँ, सिंपल कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बताने का, ये सिर्फ आपको सिखा रहा है कि कब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मीन ये ना एक सवाल है जो लैब में बनाना है, मैं आपको बता दूंगा क्या चेंजेस करनी है आपने, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम बेसिकली एक क्लास बना रहे हैं, इसका नाम है सिंपल सी क्लास है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, सिर्फ ये सिखाने के लिए कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी क्लास है, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक आईडी पास होती है और एक स्ट्रिंग पास, स्ट्रिंग का मतलब कोई भी मैसेज जो भी आप रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय जो कंस्ट्रक्टर है, ये कब कॉल होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हम आईडी भेजेंगे उस ऑब्जेक्ट आईडी को साइन हो जाएगी, और जो भी स्ट्रिंग मैसेज भेजेंगे हम उसको इस मैसेज को साइन करेंगे, ये समझना नहीं बात, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो भी आईडी आती है, ठीक है, वो आईडी को डिस्प्ले भी करता है कि मैं ये कंस्ट्रक्टर मेरा बन गया हुआ है, और साथ जाने से पहले क्या करता है, हाँ ये मेंबर इनिशिएशन के थ्रू ऑब्जेक्ट को आईडी साइन कर देता है और मैसेज को ये मैसेज स्ट्रिंग साइन करता है, ये समझ आई बात, ठीक। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड के कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक होगी बात, ठीक है, ठीक है यार। अमीन एक काम करना, ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ रीडर, इसमें ना ये आप नजर आ रही है, ये पेन है जो वो है ना स्टूपिड पावर पॉइंट, उसके अंदर ना किस तरह से पेन ले आओ, कोई तरीका होगा, डेफिनेट होगा करें ना, वो पेन आ जाए, वो नजर नहीं आता, डॉट बंदा ढूंढता ही रहता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, और ये डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर बेसिकली वो कहता है भाई मैं कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगा, मैं उसका आईडी बता दूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगा उसको बता देगा, ये कुछ ने ये सी आउट वगैरह लगाई है कुछ फैंसी के लिए कि मैं नया लाइन पे ले जाऊँ वगैरह वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मेन, ठीक है। अब ऐसा करते हैं एक क्विज है जो अब शुरू हो रहा है, क्विज है लेकिन करूँगा मैं, ठीक है, मेरा क्विज, देखते हैं गलत है, मास्क लेना है आप लोग, ठीक है। चलें जी अब हम आते हैं, मुझे बताइए लाइन नंबर 6, 7, 8 जो 4, 5, 6 इसमें से कुछ आउटपुट तो नहीं होना, नहीं, ठीक है। लाइन नंबर 8 पे आ जाए, इसमें भी कुछ आउटपुट नहीं होना, लाइन नंबर 10 पे आ जाए, ये क्या हुआ, ये पहला ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, इसका नाम है क्या, फर्स्ट आईडी इसकी 1 है और ये इसका मैसेज है, मैसेज का आई डोंट केयर, बट मुझे ये बताएं कि ये मेमोरी कहां बनेगी। अगर मैं यहां पे आपके सामने मेमोरी बनाऊं तो ये इसकी का ग्लोबल सेगमेंट है, ठीक है, ये इसका ग्लोबल सेगमेंट है, ग्लोबल और स्टैटिक सेगमेंट, ठीक है। जो कोर सेगमेंट है मैं वो नहीं बना रहा, ठीक है, और जो हीप सेगमेंट है वो भी मैं नहीं बना रहा, ठीक है। अमीन आपने जो लैब में सवाल देने ना उसका, उसमें हीप सेगमेंट भी होगा, ठीक है, और वो भी न्यू से मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, डिलीट भी हो रही होगी, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं कहां पर, ये हमारा जी कौन सा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट पे जो चीजें बन रही होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं और डिस्ट्रॉय भी ऑटोमेटिक होती हैं, ओके। अच्छा स्टैक सेगमेंट में चीजें बनती ऐसे और डिस्ट्रॉय ऐसे होती हैं, ये बात समझ, यानी ये है क्रिएशन का स्टेप और ये है डिस्ट्रक्शन का प्रोसीजर। अच्छा जो ग्लोबल सेगमेंट है, ग्लोबल सेगमेंट में क्रिएशन ऐसे हो रही होती है और डिस्ट्रक्शन ऐसे हो रही होती है,
ठीक है, ये बात समझ में आती है? यानी कि स्टैक सेगमेंट में जो सबसे आखिर में बनेगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय, ग्लोबल सेगमेंट में जो सबसे आखिर में बनेगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय, पहले डिस्ट्रॉय है ना, क्योंकि ऊपर से बन रही है ना, क्रिएट जो हो रही है, सॉरी क्या हो, जो सबसे आखिर में बनेगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय, वहां वहां हाँ वो भी ऐसी होगा। ठीक है चले जी आगे चलते हैं जी। सबसे पहले क्या बन रहा है जी हमारा, वन बन रहा है। वन कहां बनेगा, स्टैक सेगमेंट में या ग्लोबल सेगमेंट में? बेटा कहां से स्टैक में कहां से आ गया बेटा, ये कौन सा स्कोप है? मेन के ऊपर कोई चीज बनाते हैं हम तो कहां बनती है, ग्लोबल में। तो ये वन जो है वो यहां पे बनेगा, ठीक है, ये वन यहां बना हुआ है, मैसेज कुछ भी लिखा हुआ है, आई एम नॉट राइटिंग मैसेज है, तो आई एम सेइंग वन क्रिएट, ठीक है, इधर आ जाए। अब लाइन नंबर टू पे आया, ये मैं मैसेज, ये वाला मैं आउटपुट नहीं कर रहा जी, आप कौन क्रिएट हुआ है, टू क्रिएट हुआ है, और टू कहां पे क्रिएट हुआ है, स्टैक में या उसमें, स्टैक में, तो ये टू बनाया जाके यहां पे, ठीक है, टू क्रिएट हुआ है यहां पे। आगे बताएं जी, जी थर्ड, थर्ड है स्टैटिक मेंबर, तो ये कहां बनेगा जी, जो थ्री है वो यहां बनेगा, थ्री बना है यहां जाके, ठीक है, तो मैं यहां करता हूं, बाय द वे टू क्रिएट हो गया और थ्री भी क्रिएट हो गया, ठीक है, हम आगे आ जाते हैं जी। उसके बाद हमने क्रिएट फंक्शन कॉल कर दिया है ना, ठीक है, फोर्स उसके बाद बनना है जाके, ये देख रहे हैं फोर्स जो है उसके बाद बनना जाके, तो मैंने अब क्रिएट फंक्शन कॉल कर दिया, क्रिएट फंक्शन में आ जाते हैं। क्रिएट फंक्शन में हमने आते के साथ ही क्रिएट किया क्या, फिफ्थ, तो जी ये क्रिएट होगा, फाइव क्रिएट हो गया, ठीक है, फिर स्टैटिक मेंबर है जो कि सिक्स है ना, तो जो सिक्स है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है, उधर आ जाए जी। सेवन जो है वो क्रिएट हो गया, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सेवन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आप निकलने लगे हैं फंक्शन से, ठीक है, बाय द वे मैंने सारा यहां पे लिखा ही नहीं यार, क्या गलत कर रहे हैं, आठ थ्री तक हो गया था, फाइव कहां पे क्रिएट हुआ बेटा, ये जी नया सेगमेंट बना, नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, क्योंकि जब भी नया फंक्शन बनता है तो वो बेसिकली एक नया रिकॉर्ड बनाता है, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा, यहां पे फाइव बना, फिर उसके ऊपर क्या बना, जो सिक्स है वो किधर बना, वो ग्लोबल सेगमेंट में जाके बना है, ठीक है, और जो सेवन है वो यहां जाके बना, ठीक है। अब आप निकलने लगे हैं फंक्शन से, जब फंक्शन निकलेंगे तो कौन कौन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जी बताएं, ये जो फाइव और सेवन है वो डिस्ट्रॉय होने, और वो भी कहां से डिस्ट्रॉय होने, यहां से, तो वो किस ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होंगे जी, सबसे पहले जो डिस्ट्रॉय होगा, शाबाश, तो सेवन डिस्ट्रॉय होगा, और फिर फाइव डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, फिर हम आते हैं मेन में वापस, मेन में कौन क्रिएट हो रहा है, फोर क्रिएट हो रहा है, और बाय द वे ये अब यहां से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो ये यहां से खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो अब फोर जो बनना है एक्चुअली तो उसे फाइव की जगह पे जाके बनना है, लेकिन मैं अब यहां बना रहा हूं, ठीक है, तो वो बनेगा क्या, फोर यहां पे बन गया, तो क्रिएट हुआ क्या, फोर क्रिएट, ठीक है, और मेन हो गया खत्म, और जब मेन खत्म हुआ तो अब जो मेन के पहले हैं वो डिस्ट्रॉय होने, कौन कौन डिस्ट्रॉय होना है बेटा, पहले डिस्ट्रॉय होगा फोर डिस्ट्रॉय, ठीक है, और फिर कौन होगा, फिर होगा टू डिस्ट्रॉय, और फिर कौन डिस्ट्रॉय होगा, फिर होगा सिक्स डिस्ट्रॉय, और फिर होगा थ्री डिस्ट्रॉय, और फिर क्या होगा, वन डिस्ट्रॉय, ठीक है, चेक करते हैं जी। मेन में गए जी, वन वन क्रिएट, टू क्रिएट, थ्री क्रिएट, फोर फोर नहीं क्रिएट, फाइव सिक्स और सेवन जी, वन टू, सो बेसिकली मैं एक मिनट टिक तो लगाऊं, पूरे नंबर लेने हैं मैंने, मैं तेन दसना प्लेजर जी, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गया क्रिएट, ठीक है, उसके बाद सेवन, और सेवन भी क्रिएट होगा, सेवन भी क्रिएट होगा, फिर सेवन डिस्ट्रॉय होता है जी, सेवन डिस्ट्रॉय होता है जी, फाइव डिस्ट्रॉय होता है, फाइव डिस्ट्रॉय होता है,
फोर डिस्ट्रॉय होता है, फोर कंस्ट्रक्ट होता है, फोर कंस्ट्रक्ट होता है जी, फोर ही डिस्ट्रॉय होता है, फोर ही डिस्ट्रॉय होता है जी, टू डिस्ट्रॉय होता है जी, टू डिस्ट्रॉय होता है, सिक्स डिस्ट्रॉय होता है, सिक्स डिस्ट्रॉय होता है, ओके, थ्री डिस्ट्रॉय होता है, थ्री डिस्ट्रॉय होता है, वन डिस्ट्रॉय होता है, वन डिस्ट्रॉय होता है, सही बात, सही है, ठीक है, ठीक होगी बात। अच्छा एक छोटी सी बात, डेंजरस बात, ओके, और वो ये है, इस जो अंडरलाइन लाइन है उसको वॉच दे, अगेन वही टाइम की क्लास है, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, हमने ना एक फंक्शन बना दिया, इसका नाम लिखा बैड सेट। तो ये करता क्या है, ये ना एम्परसेंटली रिटर्न कर रहा है, ओके, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, भला आवर है तो ये देखें, ये देखें, ये इधर देखें, कुछ नजर आ रहा है आपको, ये जो भी सेटिंग करनी होती है सेटिंग करता है, साथ ही ना जो भी आवर होता है वो रिटर्न एफिशिएंसी झाड़ देंगे ना, वो हेलो सेट आमतौर पर जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, उसने कहा नहीं यार ऐसा करते हैं रिटर्न भी करवाते हैं, ठीक है, किसी ने बोलता सी आउट सेट के साथ सी आउट करना कि मेरी नई वैल्यू क्या है, तो जी मैं आवर पर रिटर्न भी करवा, अब मैं यहाँ पर कॉपी क्यों बनाऊँ, मैं ऐसा करता हूँ उसकी एम परसेंटली रिटर्न भी करवाते हैं। अब इसका डेंजर देखिए, क्या बड़ा डेंजर, ये आ जाए मेन, अगर कोई ये काम कर दे, ये देखिए लाइन नंबर 13 को भी देखें, और फिर आप देखिएगा लाइन नंबर 21 को, देखिए कितनी खतरनाक चीज हो गई, क्या लाइन नंबर 13 को देखें, तो उसने जो रिटर्न किया वो सेव करने के बजाय मैं उस रेफरेंस का एक और रेफरेंस बना, अब क्या हुआ, बेसिकली ये जो आवर रेफ है ये उस अट्रीब्यूट का जो टी में बना हुआ है उसका रेफरेंस है, उसके आवर का रेफरेंस, अब मैं आवर रेफरेंस को 30 करूंगा, मुझे सेटिंग की जरूरत नहीं है, ये बात समझ, यानी मेरे पास एक्चुअली उसके प्राइवेट अट्रीब्यूट का एक्सेस आ गया, ठीक है, सो दैट्स अ वेरी डेंजरस पार्ट, सो नेवर डू दिस कि आप किसी प्राइवेट अट्रीब्यूट को एज ए रेफरेंस रिटर्न करवा दें, क्योंकि अगर आपने रेफरेंस रिटर्न करवा दिया वो उसका रेफरेंस बना के सब कुछ भी कर सकता है, ये बात समझ, ये बात समझ, देखिए देखिए टी डॉट बैड सेट आवर कॉल किया, उसने रेफरेंस रिटर्न किया, उसको मैंने इक्वल 34 कर दिया, वो कह रहा है क्यों बेटी सेट के थ्रू नहीं जा, उसको डायरेक्टली है क्योंकि आपने उसको रेफरेंस दी, रेफरेंस दे दिया, अब मैं उससे कुछ भी कर, तो दैट्स अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, कि अगर आप किसी अट्रीब्यूट को बाय रेफरेंस रिटर्न करवाना, अगर आपने रिटर्न करवाना भी है तो आप कॉन्स के साथ रिटर्न, यानी जो रिटर्न टाइप होगी वो कॉन्स एंड अनसाइंड एंड एम्परसेंड होगी, ताकि जो रिसीविंग एंड पे हो वो यहां पर फिर लिखे कॉन्स, जब कॉन्स लिखा तो वो सुख ये वाली लाइन जैसे खुद खुद कंपाइल टाइम पे एरर में, ये बात समझ, ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डिफॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन, अच्छा ये क्या चीज है कि अगर हम कोई डेट बनाते हैं, जैसे कि ये डेट बनाई है मैंने और ये डेट टू है, और जो डेट टू है उसका मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर लिखा हुआ है जिसमें 1/1/2000 दिशा होती है, ठीक है, तो अगर मैं डेट टू इज इक्वल टू डेट वन करूं तो ये चल रहा है, सी प्लस प्लस में जब मैं किसी स्ट्रक्ट को एक स्ट्रक्ट के बराबर असाइन करता तो उसकी वो डुप्लीकेट कॉपी बना, बिल्कुल इस तरह यहां पर भी डुप्लीकेट कॉपी चलती है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट मेंबर वाइज इनिशियलाइजेशन, ओके, ये बड़ी डेंजरस चीज है, शैलो कॉपी करती है, अगर कोई पॉइंटर पड़ा हुआ था और मेमोरी हीप के ऊपर बनी हुई थी तो ये बड़ी डेंजरस चीज है, इसको कैसे अवॉइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, एक चीज मैं बता दूं आपको, मैंने कॉस्ट की बात की थी यार, अगर आप कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से मैंने कांस्टेंट टाइम रूम बनाया, ठीक है, इसकी इनिशियलाइजेशन तो हो जाएगी ये 12:00 और 0, लेकिन अब अगर मैं नून डॉट, ये देखिए अब अगर मैं नून डॉट सेट आवर कॉल करूंगा तो वह कहेगा भाई ये एरर, क्यों एरर, क्योंकि आप कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू
सिर्फ कॉन्स्टेंट ही फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आगे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अगली क्लास में करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो ये वो होगा कि अगर इसको कहते हैं फ्रेंड, आपने फ्रेंड फ्रेंड क्या होते हैं, मेरा ये मेरा फ्रेंड है जी, तो क्या होता है, कैसे जा रहे डॉक्टर?